हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सोनीपत में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, अब कुल केस हो गए हैं 105। सोनीपत में तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा। आप सभी को जागरूक होकर सरकार की हिदायतों का पालन करने की जरूरत है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। शिक्षा मंत्री गुज्जर ने दिए स्कूल खोलने के संकेत, ओडीवन की तरह चलेंगी क्लासें। देश में कोरोना वायरस की दहशत बढ़ती जा रही है, इस महामारी की मार को हर कोई झेल रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं की शिक्षा पर इसका खासा असर पड़ा है। इसी को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने कहा कि 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को लेकर एक विचार है कि अगर एक कक्षा में 30 छात्र हैं तो एक दिन 15 छात्र व दूसरे दिन 15 छात्रों को, और अगर 50 छात्र हैं तो 3 हिस्सों में बांटकर बुलाया जा सकता है। इससे काफ़ी सिलेबस कवर कर सकते हैं, एक दिन में ज़्यादा पढ़ा के 2 दिन का काम आगे दे सकते हैं, इससे काफ़ी कुछ हम कवर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें विशेषज्ञों की राय ली जाएगी, क्या वह हमें परमिशन देते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करने से कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और इसके अलावा जो नियम होंगे उन सब का पालन किया जाएगा। गुज्जर ने कहा कि अभी सिर्फ ऐसा विचार किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम सफल होता है तो उसके बाद 9वीं और 10वीं का विचार करेंगी। यह स्टेप बाय स्टेप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यह केवल अभी एक विचार है, विशेषज्ञों की राय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं रशिया में फंसे भारत के छात्रों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी मीडिया के माध्यम से उनकी जानकारी में आया था कि लगभग 90 छात्र रशिया में फंसे हुए हैं, उनमें से 35 या 36 स्टूडेंट हरियाणा के हैं। उनसे अपनी ईमेल से जानकारी मांगी है, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी भेजी है। बातचीत के माध्यम से जो भी बच्चों के अभिभावक हैं वे हमारे सरकार से संपर्क करें, निश्चित तौर से हम पूरा प्रयास करेंगे, उन बच्चों को सुकुशल लेकर आएंगे। गुज्जर ने कहा कि पहले भी काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदेश के बच्चे जो भी बाहर फंसे थे उनको सरकार द्वारा ला गया है। देखिए अभी वो कुछ भी उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई उस पर कुछ नहीं है, अभी केवल एक विचार है। हमने एक विचार किया कि भाई अब बहुत लंबा टाइम, क्योंकि आगे भी अभी लगता है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो ऐसे में एक विचार आया कि जैसे 30 बच्चों की एक क्लास है तो उसमें अगर हम 15 बच्चों को एक दिन बुलाएं और फिर 15 बच्चों को दूसरे दिन मिलाएं, फिर 15 को पहले वाले दूसरे वाले, ऐसे 2 हिस्सों में उसको बांट लें, और अगर बच्चे ज्यादा है 50 है तो उसको 3 में, तो इस प्रकार से काफी जो सिलेबस है हम उसका कवर कर सकते हैं। और एक दिन में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ा के उनको 2 दिन का काम, 1 दिन का काम आगे दे सकते हैं, तो काफी कुछ हम कवर कर सकते हैं उसमें। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं पहले उनकी राय लेंगे कि वो हमें परमिशन देते हैं क्या, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं इसकी वजह से कोई आने वाले टाइम में कोई दिक्कतें पैदा हो जाए, तो उसका ध्यान रखते फिर उसके बाद करेंगे। लेकिन जितना भी सारा सिस्टम है, सैनिटाइज का सिस्टम है, जो भी है, मास्क का है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, उस सारे को तो हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ वो हमें बताते हैं कि ये करना है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञों की राय वो मान के तभी मिलेंगे। अभी हमने इसमें +1 +2 का विचार किया है, जो हमारे उसमें कहोगे 11वीं 12वीं जो है, तो उन क्लासों के बच्चों को करेंगे, और अगर वो हमारा पूरी तरीके से सफल रहता तो उसके बाद फिर हम 9th और 10th का विचार करेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम अपना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन है वो तब अगर हमें इजाजत। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।